गौतम अडानी इस समय मुकेश अंबानी को बीट करके भारत और एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं और साथ में दुनिया के पांचवें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। अडानी ग्रुप इन्हीं का है। गौतम अडानी के बहुत से बिजनेसेस हैं, जैसे कि अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी विल्मर। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड तो भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। अडानी ग्रुप के 50 कंट्री में 70 लोकेशंस में ऑफिसेस हैं। गौतम अडानी की बढ़ती इनकम को देख के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब मोदी के चलते हुआ है और अडानी भारत को लूट रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम अडानी की बढ़ती वेल्थ के पीछे क्या राज है और गौतम अडानी की वेल्थ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। गौतम अडानी की वेल्थ राइज जानने से पहले आपको उनकी हिस्ट्री जाननी होगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप में से शायद बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि गौतम अडानी मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गौतम अडानी किस्मत और मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुंचे हैं। किस्मत इसलिए क्योंकि 20 साल पहले इन्हें रैंसम के लिए किडनैप किया गया था। इसके अलावा 2008 में जब ताज पे अटैक हुआ था तो गौतम अडानी ताज में ही मौजूद थे। और मेहनत इसलिए क्योंकि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर खुद अपना रास्ता बनाने का फैसला किया था। उनके इस फैसले से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन अपने धुन के पक्के गौतम अडानी ने वही किया जो उन्हें करना चाहा। साल 1978 में ग्रेजुएशन के दूसरे साल में गौतम अडानी ने कॉलेज छोड़कर सबको चौंका दिया था। जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर अडानी सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पहली नौकरी महेंद्र ब्रदर्स में मिली। यहाँ उनका काम हीरे छाटना था। 2-3 साल नौकरी करने के बाद गौतम अडानी ने मुंबई के ज्वेलरी मार्केट जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू किया। फिर उसके बाद 1981 में अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में प्लास्टिक यूनिट का काम शुरू किया और फिर 1988 में अडानी इंटरप्राइजेस खोली। अडानी की किस्मत तब चमकी जब 1991 में भारत में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म अनाउंस हुए। LPG रिफॉर्म के आने के बाद अडानी इंटरप्राइजेस ने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 1994 में गुजरात की सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस को मिल गया। उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट गुजरात में रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस ने अडानी को दिया था। जी हाँ, अडानी को पहला भारत का कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने दिया था। 1995 में अडानी ने अडानी पोर्ट कंपनी खोली और फिर 1996 में अडानी पावर कंपनी खोली और ये सब कांग्रेस के टेन्योर में हुआ और आज ये दोनों कंपनी अपने अपने फील्ड में नंबर वन है। 2001 में जब BJP की सरकार गुजरात में बनी थी तब गौतम अडानी एक अमीर इंसान बन चुके थे। 2001 के बाद से गौतम अडानी अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड बढ़ाने लगे। 2009 से 2012 के बीच अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड के कार्मिकेल कोल को एक्वायर किया। 2008 में इंडोनेशिया के बुनियो माइन को एक्वायर किया। 2010 में अडानी ग्रुप को ओडिशा में माइन के राइट्स मिले और 2010 तक अडानी ग्रुप इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी बन गई थी। कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में अडानी को 21,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट मिले थे। साल 2013 में जब कांग्रेस का टेन्योर खत्म हो रहा था तब उस समय के कांग्रेस के यूनियन मिनिस्टर एम वीरप्पा मोली ने अडानी ग्रुप को 13,000 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट और दिए थे। फिर उसके बाद 2014 में BJP सत्ता में आई तो अडानी को देश में 5 जगह पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एविएशन सेक्टर में अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगले 5 सालों में इन 6 एयरपोर्ट्स पे अडानी इंटरप्राइजेस 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहां पे रोड्स, डाटा सेंटर बनाएगी। अडानी ग्रुप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट पे अडानी ग्रुप 2025 तक $6 बिलियन खर्च करेगी। तो देखा जाए अडानी ग्रुप को कांग्रेस और BJP दोनों के टेन्योर में बहुत से प्रोजेक्ट मिले और दोनों ही सरकारों ने अडानी ग्रुप को खूब प्रोजेक्ट दिया है, पर इन दोनों सरकारों की राजनीति में अडानी फंस गए और ऐसा आपको भारत के हर बिजनेसमैन के साथ होता हुआ दिखेगा। कांग्रेस बोलेगी कि ये बिजनेसमैन BJP को सपोर्ट करता है और BJP बोलेगी कि ये बिजनेसमैन कांग्रेस को सपोर्ट करता है और इन चक्करों में बिजनेसमैन फंसता जा रहा है। देखो, बिजनेसमैन का काम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। उनको देश में किसकी सरकार है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ सरकारों की पॉलिसी देखते हैं और उन पॉलिसीज को देख के अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पर पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ के लोग इन्हें गाली देने लगते हैं, जबकि हम सबको पता है कि इन बिलियनर्स का हमेशा से देश की इकॉनमी में कितना योगदान है। कितनों को तो ये नौकरी देते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, पर पॉलिटिक्स के चलते हम अपने देश के बिजनेसमैन को ऊटपटांग बोलने लगते हैं, उन्हें शक की नजर से देखने लगते हैं और फिर जब यही बिजनेसमैन इन सब चीजों से तंग आकर देश छोड़ के चले जाते हैं तो हम उन्हें ही गलत ठहराते हैं। तो ये चीज हम लोगों को छोड़नी होगी। आइए अब बात करते हैं गौतम अडानी की बढ़ती वेल्थ के बारे में।
गौतम अडानी इस समय भारत और एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं और वैरन बफेट को बीट करके दुनिया के पांचवें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। गौतम अडानी से आगे सिर्फ 4 बिलियनर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड और बिल गेट्स हैं। देखो, आजकल दुनिया भर में जो बिलियनर्स की इनकम बढ़ रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन स्टॉक मार्केट है। आप सबने देखा होगा कि कैसे इलॉन मस्क सिर्फ एक साल में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। वैसे ही गौतम अडानी के साथ हुआ है। 27 अप्रैल को गौतम अडानी और बिल गेट्स की वेल्थ एक बराबर हो गई थी। एक्चुअल में पिछले 2 सेशंस में यूएस स्टॉक मार्केट 2% क्रैश हुआ है, उसके चलते अमेरिकन बिलियनर्स की वेल्थ कम हुई है और भारत में अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइस बढ़ी है जिससे गौतम अडानी की वेल्थ इंक्रीज हुई है। 2022 में गौतम अडानी की वेल्थ बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। 2022 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेल्थ गेनर गौतम अडानी है। 2022 के 5 महीनों में गौतम अडानी ने अपनी वेल्थ में 48 बिलियन डॉलर्स ऐड किया। 2022 में अडानी ग्रुप की 3 कंपनी अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन और अडानी पावर ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया और बाकी 4 कंपनीज अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन ने 16-60% का रिटर्न दिया जिसके चलते गौतम अडानी की वेल्थ इंक्रीज हुई है। गौतम अडानी से अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी मिले हैं और यूके में इन्वेस्ट करने की बात भी की है। गौतम अडानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान अंबानी है। मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के 8वें सबसे अमीर इंसान है। मुकेश अंबानी की वेल्थ भी 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है। भारत के 2 बिलियनर्स की वेल्थ 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है। लगता है आगे चल के ये दोनों बिलियनर्स पाकिस्तान को खरीद लेंगे। गौतम अडानी की वेल्थ इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि गौतम अडानी ने सही टाइम पे सही बिजनेस में एंटर किया है और सही इन्वेस्टर को पिक किया है जिसका फायदा उनको मिल रहा है। पर देखा जाए तो अडानी ग्रुप के 3 कंपनीज पे कर्ज भी है, पर अच्छी बात यह है कि ये कर्ज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। फ्यूचर की बात करें तो गौतम अडानी जी की वेल्थ फ्यूचर में और बढ़ेगी क्योंकि अडानी ग्रुप के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहा है। 2030 तक गौतम अडानी ग्रीन एनर्जी पे 70 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे और हम सबको पता है कि फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि गौतम अडानी की वेल्थ बढ़ने के पीछे कौन कौन से सोर्सेस हैं, पर पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक बात हमेशा सुनने को मिलती रहती है कि बीजेपी अमीरों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, ये लोग देश को लूट रहे हैं। तो मुझे बस एक बात बताओ कि दुनिया में कौन से देश की सरकार अपने देश की प्राइवेट कंपनीज और बिलियनर्स को सपोर्ट नहीं करती है? आपको ऐसा कोई भी देश नहीं मिलेगा। देखो, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और अगर किसी कंपनी का वेल्थ इंक्रीज होता है तो उस देश में बिजनेस ही ग्रो होता है। दुनिया देखती है कि इस देश में बिजनेस करना आसान है, तो भारत की कंपनीज की वेल्थ बढ़ना एक अच्छा साइन दिखाता है। अब इसको देख के बहुत सी न्यू कंपनीज फॉर्म होंगी, बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेंगे, इससे एक माहौल क्रिएट होगा और बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे भागेंगे, जो कि देखने को भी मिल रहा है। भारत में बहुत सी न्यू कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही हैं और रही बात भारत को लूटने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।